In front of you, there is a reaction between the Kavanaugh power and the Gaisley. How does it react? And the reaction on this is it very fast. एक छोटी सी रिएक्शन बताने जा रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। यहाँ पर आपके सामने कैमरा बोर्ड का पाउडर है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा एक ग्लिसरीन लिया गया है। इन दोनों को जब आप लोग मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन जनरेट होती है। जब आप बिना माचिस की सहायता से भी इसमें आग जला सकते हैं। क्लियर है? ये देखो अभी धुआं निकलने लग गया। अब आपको दिख रही है सभी को? क्लियर है? बिना किसी सहायता से बनी ये आग लगा के दिखाई दे रहे बेटा। देख लीजिए ना। अरे दिख रही है क्या सभी को? जो नहीं दिखे तो बना सकता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो आ गया सभी को। ये बड़ी सी क्या टॉप लेवल है, इसे जलता हुआ दिखता नहीं है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन कैमना पॉर और गेसिन के बीच में, जिसकी सहायता से अपन आग भी जला सकते हैं और ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है। थैंक यू। सामने दोबारा सेकंड रिएक्शन कर रहे हैं कैमना पॉर और गेसिन के साथ में, देखते हैं किस प्रकार से होती है। फिर ध्यान से देखना आप लोग, दिख रही है सभी को? ये लो इस बार वापस से ये लगे। अरे दिख गई ना? देखो जवाब दे, दिख रही है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? वेरी गुड। ये अपन जो रिएक्शन है इस प्रकार से होती है। आपको जो बुक में पढ़ाई जाती है कि केमिकल रिएक्शन इट इज वेरी फास्ट, तो आप जितना चाहे तेजी से कर सकती है। इसको इफेक्ट होने में केवल 2 से 5 सेकंड लगते हैं, इसमें जल्दी क्रिएट की जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है जब आपको थोड़े टाइम में दिखाने वाले हैं सेकंड लेक्चर में। क्लियर है? तो थोड़ा साउंड भी आपको सुनाई देगा। ओके थैंक यू।